हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में हैं और आज का विषय है जीके। तो स्टूडेंट्स, जीके में आज हम लोग क्या सीखेंगे, 22 चैप्टर में से व्हाट आर दे मेड ऑफ, मतलब वो किससे बने हुए हैं। तो हम लोग पढ़ने से पहले हर बार जैसा हेडिंग पहले पढ़ते हैं, पहले हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बुक्स में जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर करेंगे। तो हेडिंग पे क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द नेम ऑफ सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिखा है मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच द मेंशन ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ, मतलब पदार्थ के नाम के साथ निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें जिनसे उल्लेखित वस्तु बनती है। चूज योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, बॉक्स में से सही आंसर चूज करके लिखो। तो देखो, इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में कुछ आंसर दिया हुआ है जिसमें पहले लिखा है गोल्ड, पेपर, स्टील, ग्लास, वुड, लेदर, प्लास्टिक, कोका, कॉटन, वुड प्लप, वुड, फिर से वुड लिखा है, व्हीट फ्लोर, फिर से वुड लिखा है, फिर एल्युमिनियम एंड रबर। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ कौन सा आंसर सही होगा वो आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखेंगे। तो नंबर वन है, मशीन्स आर मेड ऑफ, मशीन्स जो आप लोग मशीन्स देखते हो, मशीन्स आर मेड ऑफ, मशीन्स बनते हैं स्टील से। इसका स्पेलिंग है STEEL, स्टील मतलब इस्पात, मशीन बनते हैं इस्पात से। क्वेश्चन नंबर टू, फर्नीचर इज मेड ऑफ, फर्नीचर इज मेड ऑफ, फर्नीचर्स बनते हैं वुड से, लकड़ी से, WOOD, वुड मतलब लकड़ी। क्वेश्चन नंबर थ्री, बुक्स आर मेड ऑफ, बुक्स बनते हैं, मतलब आप जो बुक्स पढ़ते हो वो बुक्स बनते हैं पेपर से, PAPER, पेपर मतलब कागज। क्वेश्चन नंबर फोर, मिरर इज मेड ऑफ, मतलब दर्पण बनते हैं, बना है ग्लास, GLASS, ग्लास मतलब कांच से। क्वेश्चन नंबर फाइव, ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड, मतलब गहने बनते हैं सोने से, जो सोना है ना, सोना जो पहनते हैं हम लोग, गहने पहनते हैं सोने का गहना, तो बनते हैं गोल्ड से। ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड, गहने बनते हैं सोने से, गोल्ड मतलब सोना, और इसका स्पेलिंग है GOLD, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाटर बॉटल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, पानी की बोतलें बनती है प्लास्टिक से, पानी की बोतलें बनती हैं प्लास्टिक से, वाटर बॉटल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक का स्पेलिंग है PLASTIC, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, कपड़े बनते हैं कपास से, कॉटन का स्पेलिंग COTTON मतलब कपास। अभी क्वेश्चन नंबर एट देखो, क्वेश्चन नंबर एट में लिखा है शूज आर मेड ऑफ लेदर, शूज हम लोग जो पहनते हैं, शूज बनते हैं लेदर से, और लेदर्स का स्पेलिंग LEATHER, लेदर। क्वेश्चन नंबर नाइन पे लिखा है, पेपर इज मेड आउट ऑफ वुड प्लम, मतलब कागज लकड़ी के गुदे से बना होता है,
अभी 10 नंबर चॉकलेट्स आर मेड ऑफ कोका, चॉकलेट कोका से बने होते हैं। आप लोग जो चॉकलेट खाते हो वो कोका से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चपातीस आर मेड ऑफ व्हीट फ्लोर, हम लोग जो चपाती खाते हैं वो बनते हैं व्हीट फ्लोर से, मतलब गेहूं के आटा से। क्वेश्चन नंबर 12, एलोप्लेन्स आर मेड ऑफ एलुमिनियम, एलोप्लेन्स बनते हैं एलुमिनियम से। क्वेश्चन नंबर 13, बलून्स आर मेड ऑफ रबर, बलून्स बनते हैं रबर से। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, उसमें क्या लिखा है, बोट्स आर मेड ऑफ वुड, बोट्स आर मेड ऑफ वुड, मतलब नाव बनते हैं लकड़ी से। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लूट्स आर मेड ऑफ वुड, फ्लूट्स मतलब बांसुरी बनते हैं वुड से, बांसुरी भी बनते हैं वुड से, मतलब लकड़ी से। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने 22 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब वीडियो देखोगे, उसके बाद आपका बुक्स में जो आपका बुक्स में तो बॉक्स दिया हुआ रहेगा, तो उसमें से सही आंसर चूज करके बुक्स में गुड हैंडराइटिंग से आप लिखोगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक पार्ट भी फिर से बता देती हूँ, एक से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। मशीन्स आर मेड ऑफ स्टील, फर्नीचर्स इज मेड ऑफ वुड, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, मिरर इज मेड ऑफ ग्लास, ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड, वाटर बॉटल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, शूज आर मेड ऑफ लेदर, पेपर इज मेड आउट ऑफ वुड फ्लाम, चॉकलेट्स आर मेड ऑफ कोका, चपातीस आर मेड ऑफ व्हीट फ्लोर, एलोप्लेन्स आर मेड ऑफ एलुमिनियम, बेलून्स आर मेड ऑफ रबर, बोट्स आर मेड ऑफ वुड, फ्लूट्स आर मेड ऑफ वुड। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो जीके का बुक्स है आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।